सबसे पहले सभी को इन एडवांस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इस बार हम लोग 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया मना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसके तहत ये हमारा नेशन वाइड कैंपेन है, हर घर तिरंगा। तो आने वाला 13 से लेके 15 अगस्त हर घर में तिरंगा को फहराना है, ये भारत सरकार का अभियान है। तो इसके तहत हम लोग आज हमारा डिपार्टमेंट ट्रेड एंड कॉमर्स नेशनल फ्लैग तिरंगा को डिस्ट्रीब्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट करता हुआ न्यूर्च मार्केट से, अभी हम इस वक्त कोलाकेम मार्केट में हैं, फिर हम यहाँ से होज मार्केट तक आज हम जाएंगे। तो इस कैंपेन के तहत मैं एक इसके ज़रिए एक मैसेज ये भी देना चाहता हूँ कि नेशनल फ्लैग तिरंगा जो है हम सभी का नेशनल सिंबल है, हमारा प्राइड का, हमारा रिस्पेक्ट का, हमारा अचीवमेंट्स का सिंबल है, हमारा यूनिटी का सिंबल है। तो नेशनल फ्लैग अभी हर घर तिरंगा के अवसर पे अभी देख रहे हर जगह में तिरंगा है, तिरंगा है, तिरंगा है। तो इसमें एक बहुत ही गौर करने वाला, केयर करने वाला बात है, नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया होता है एंड देन प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर 1971 का एक्ट भी है। इसके तहत नेशनल फ्लैग को, नेशनल सिंबल को हम लोग रिस्पेक्ट करना है। आप लोग इसको तिरंगा को इस्तेमाल करने के बाद यहाँ हुआ मत फेंकिएगा। अगर कोई तिरंगा ख़राब हो गया या फिर उसमें अगर डैमेज है तो उसको आप क्या कीजिएगा कि जहाँ में कोई दिखाई ना दे घर के पीछे में जाकर आप उसको बर्न कर दीजिए या फिर दफना दीजिएगा। और फिर एक बात यहाँ में हम लोग देख रहा है कि अपना जो पॉलिटिकल पार्टीज लोग है वो अपना पार्टी फ्लैग के साथ में नेशनल हमारा नेशनल फ्लैग को होस्ट कर रहा है, या फिर जो हमारा रिलीजियस फ्लैग होता है उसके साथ भी हमारा नेशनल फ्लैग को होस्ट कर रहा है। ऐसे केस में हमारा नेशनल फ्लैग हमेशा सबसे ऊंचा होना है, सबसे ऊपर में होना है। और इसके साथ हमारा डिपार्टमेंट ट्रेड एंड कॉमर्स पब्लिक अवेयरनेस के लिए और एक बात बताना चाहूँगा कि आज के समय में ट्रेड एंड कॉमर्स ट्रेडिंग लाइसेंस को ऑनलाइन में इशू कर रहा है। पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट जो अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जो अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ट्रेडिंग लाइसेंस का रिन्यूअल एंड देन इसका इशुएंस, न्यू इशुएंस को हम लोग ऑनलाइन कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में 10 डिस्ट्रिक्ट हो चुका है आज। और सर अभी ऐसे मतलब हम लोग का भारत में ये प्लेग को बेचा जा रहा है, तो आप खुद का रिगार्डिंग क्या बोलना चाहिए? ये बोलने से तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्टिव है, इसके पीछे भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ रीजंस होगा। हमें भी डायरेक्टिव दिए थे लेकिन हमें लगा कि चलो अगर हम इसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो वो बेहतर रहेगा, इसलिए हम डिसाइड किया कि इसको हम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपके जरिए और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पापुमपारे इस बार 15 अगस्त को यूपिया का जो आउटडोर स्टेडियम है उसमें सरकार आपके द्वार ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें सारा डिपार्टमेंट रहेगा, आपको उसमें मेडिकल फैसिलिटी जो है, मेडिकल टेस्ट वगैरह जो है, वैक्सीन वगैरह जो आपको फ्री में वहाँ मिलेगा, आपको STPRC इनलाइन परमिट, इनकम सर्टिफिकेट या फिर ट्रेडिंग लाइसेंस भी आपको ऑन द स्पॉट, आपको उसमें न्यू लाइसेंस मिल जाएगा ऑन द स्पॉट, उसमें आपको रिन्यूअल भी हो जाएगा। इसीलिए मैं सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 15 अगस्त को समय निकालिए, यूपिया में आइए और हम ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में ये इंडिपेंडेंस डे को बहुत ही जॉयफुली सेलिब्रेट कीजिए और सरकार आपके द्वार में जितना भी सुविधा है उसका लाभ उठाइए। सर आपको लगता है कि सरकार ने ये फ्लैग को बेचने के लिए आपके लिए सही है ना, क्या लगता है आपके लिए? सरकार का डिसीजन तो अभी हम नहीं बोल सकते हैं, हम तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, हम लोगों को जो भी सरकार की ओर से ऑर्डर आता है उसको हमको फॉलो करना पड़ता है, निभाना पड़ता है। पहले तो फिर ही बता जाता था घर घरों में, अभी तो देखा है तो सब लोग खरीदने के लिए कर रहा है। तो इसके ऊपर मैं अगर टिप्पणी करना या फिर कुछ अपना ओपिनियन देना तो शायद मैं राइट अथॉरिटी नहीं हूँ, इसके लिए आपको राइट अथॉरिटी से मिलकर बात करने होंगे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।